हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, और आज देखेंगे पहले के मूवमेंट क्या रहा है आज के दिन में। जो प्रीवियसली जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, मार्केट वो लेवल्स पे आया है तो किस हिसाब से उसने रिएक्ट किया है, और कौन से प्रोबेबिलिटीज ट्रेड थे आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं मार्केट जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 31,030, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है उसके नीचे ओपन हुआ एंड एक बेरिश कैंडल फॉर्म किया उसने पहला। उसके बाद तुरंत ही एक बुलिश कैंडल फॉर्म किया और जो प्रीवियस जो ये सपोर्ट था उसके ऊपर आ गया मार्केट, और काफी टाइम तक यहाँ पे 10-15 मिनट तक कंसोलिडेट हुआ। सो यहाँ पे जिस हिसाब से गैप देखने को मिल रहा था, बट मार्केट शुरू में मॉर्निंग में ही पहले 15 मिनट में रिकवर करने का कोशिश किया और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ये जो हाई ब्रेक किए उसने, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी था। ये जो है यहाँ पे यहाँ से लेके ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था जहाँ पे आप फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते थे, ऑप्शंस में अच्छे ट्रेड कर सकते थे। सो उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो प्रीवियस डे का जो लो था जो अभी ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस बन चुका था उसके ऊपर गया मार्केट, फिर से नीचे आया, और जो प्रीवियस डे का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 31,030 वहां पे उसने फिर से इंटेक दिखाया, अपना सपोर्ट लेवल कंसोलिडेट हुआ, बेस फॉर्म किया और फिर एक अच्छा मूवमेंट दिया। और थ्रू आउट द डे मार्केट एक ये इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट थे दोनों, प्रीवियस डे का लो और इम्पोर्टेंट सपोर्ट 31,030 उसके ऊपर ही मार्केट ने ट्रेड किया। तो इस हिसाब से मार्केट में हमको एक सेकंड हाफ में एक अच्छा रिकवरी भी देखने को मिला, जो लोअर लेवल्स पे ओपन हुए थे बाद में हमको सेकंड हाफ में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला अपसाइड पे, मार्केट काफी हद तक रिकवर होते हुए दिखा। अभी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहला तो हम प्रीवियस डे का हाई, मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन का जो हाई है वो मार्क करेंगे। 31,448 का जो लेवल है वो रहेगा। आज के ट्रेडिंग सेशन का हाई और जो ट्रेडिंग सेशन का लो है आज का, वो पहले ही 15 मिनट पहले ही 5 मिनट का जो लो फॉर्म हुआ था वहीं पे हमको देखने को मिल रहा है। 30,902 का एक लेवल जो है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। तो ये प्रीवियस डे हाई एंड लो हमने मार्क कर लिए है। अभी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा वो हमको देखना है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो डेज हाई के अबव हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमको कुछ ये हाई फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं ये लेवल्स के ऊपर, ठीक है, और वही एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे भी एक सपोर्ट हमको ब्रेक होते हुए भी दिखा था, तो इसको हम मार्क करेंगे पहले। थर्टी वन थाउजेंड फाइव फिफ्टी का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। और आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने कहाँ पे बेस फॉर्म किया वो हम चेक करेंगे। प्रीवियस डे का कोई लो और जो टर्निंग पॉइंट है वो भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी कंजक्शन दिख रहा है, तो हम उसको मार्क कर लेते हैं 31,155 का स्पॉट लेवल पे एक सपोर्ट इंटेक हो रह सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन। सो ये स्पॉट लेवल का लेवल है सारे बैंक निफ्टी में, जहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 31,550, डेज हाई रेजिस्टेंस है 31,450, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 31,155, डेज लो सपोर्ट है 30,901। सो ये लेवल्स आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए ध्यान में रखिए और अपना जो स्ट्रेटेजी है उसमें आप उसको इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई एरिया है जो हम चार्ट के थ्रू एक फाइंड कर रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है बिकॉज ये वन और टू ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही हम उसको डिफाइन करते हैं कंसीडर करके लास्ट वन और टू ट्रेडिंग सेशन, तो वो काफी पावरफुल रहता है और वो ऑलवेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक इम्पोर्टेंस दिखाता है प्राइस एक्शन में, तो उसको ध्यान में रखिए। सो अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो इसको जरूर लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।